ताजिकिस्तान किस साइड भी हो जाता है? अच्छा वही साइड है। और अफगानिस्तान? ठीक है ठीक है। और चाइना इस तरफ है। अच्छा देखिए इस साइड जा रहे हैं और मोटरसाइकिल चलाना आदाब बन चुका है। कार्बोरेटर यार काम ही नहीं कर रहा। जियो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निकल जा निकल जा। पच 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 उठा उठा उठा। उसने भाई को मैंने इधर खड़ा कर दिया। जनाबे वाला हम निकल चुके हैं लश्करगाह से करमबर के लिए और ठंड से बुरी हालत है। मैंने पैंट को टू लेयर की है और शर्ट को जो है थ्री लेयर करके फिर जैकेट पहनी है। ठंड से बहुत बुरी हालात है। 8:53 हो रहे हैं। सांस लेना जनाब यहाँ पे दुश्वार है यकीन करें। और करमबर लेक तकरीबन 14,000 फीट पर मौजूद है। रास्ता तो नहीं मालूम। वादा ये है कि अल्लाह अल्लाह करके जा रहे हैं क्योंकि ना यहाँ बंदा है ना बंदे की जात। ठंड से बुरी हालत हुई हुई है। बारिश का और बर्फबारी का डर लगा हुआ है। हो सकता है कि करमबर लेक के पास बर्फबारी हो सकता है। अब पहाड़ सीधे सीधे पहाड़ चढ़ने हैं। अब ये आ गया ना मुश्किल टाइम। थोड़े से रिथम के साथ जाऊंगा और लकी तो ये पहुंच गया भाई। अब कोई समझ नहीं आ रही कि जाना कहाँ पे है। लाला कमरान जो हमारे टीम लीडर हैं इन्हीं के पीछे चलते हैं इंशाल्लाह। अब कमरान भाई हमसे हिल क्लाइंब कराए गए इन खड्डों के साथ। अल्लाह फोकर चढ़ जा जिगर सुजुके चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। चढ़ जा। बारिश हुई है ट्रैक गीला। बच बच खड्डा है। होए 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 आड़ी भाई क्या हुआ? हवा भरनी है भर लेते हैं ना। चलो वहां पे चलते हैं ना। ये दलदल ही ना मिल जाए।
यहाँ से कमरान भाई। अच्छा इसके ऊपर से कमरान भाई वट्टे हैं। दुश्वारी होगी ये छोटे छोटे दो वार्ड हैं, इनके दरमियान में से जाना है और ऑक्सीजन की इतनी कमी है, सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही है। तकरीबन उस कैंप से 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। फ्यूल की टैंकियां जो है ना भरवा के लाइएगा। आखिरी चेक पोस्ट पे तो हमें 1 लीटर पेट्रोल मिला। नज़ारे चेक करें, ओए 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 सुभान अल्लाह क्या नज़ारे हैं यार। बहुत कम होती जा रही है, ऐसे मैदानों में से आपने गुजरना है। गाड़ी को तो मुझे कोई चांस नहीं नजर आ रहा है कि वो यहाँ पर पहुँचेगी, गाड़ी के कोई चांसेस नहीं है। यहाँ से गुजारना है, गियर चेक कर लो। हाँ पहले ही है, बकरियां भेड़ें भी नजर आ रही हैं। सीव हिल क्लाइंब के चक्रों में था आई थिंक। यहाँ पे घर भी हैं, वो जो पहले वाला घर था ना वो ठीक कह रहा था यार हमारे पास ना जानवर नहीं है। चढ़ाई वो रहे घर लोगों के, उधर ही चलते हैं। प्राचे पीछे खेच यार, कीचड़ है ये तो। ये बॉर्डर का आखिरी घर है ना, यही घर है। ताजिकिस्तान किस साइड में हो जाता है? अच्छा वही साइड में। और अफगानिस्तान? ठीक है ठीक है। वो चाइना इस तरफ है। अच्छा कैसे गुजारा करते हो यार इतनी दूर आके? जानवर रखे हुए हैं? अच्छा अच्छा आप वाकई लोग हो ना। वाह चलो खुश रहो मेरे भाई, मेहरबानी। यहाँ से ना मैंने इस दलदल से बचना है,
मैंने इस तरह लिटाया बाइक, फिर थोड़ा सा गैप बना और फिर एक पुश के साथ जो है ना मैंने बाइक निकाला। बड़ा मुश्किल था यार, बहुत मुश्किल था। वो देखे ना, कमरान भाई भी फंस चुके थे दलदल में। इस साइड जा रहे हैं और मोटरसाइकिल चलाना आदाब बन चुका है। सांस वापस नहीं आ रहा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। सुजुकी जीएस पे दो बंदे, पहले गियर के अलावा और इधर गियर काम नहीं कर रहा। अब ये फिर हिल क्लाइम करनी पड़ेगी। सीधा तो बाइक जा ही नहीं रहा ना, चले कुछ चला जाता तो गुजारा हो जाता। ये सीधा जाना है हमने, इधर से चलते हैं। चल शाबाश जीएस, शाबाश 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 शाबाश। ये हमने क्रॉस करना है और अभी राइट नाउ मुझे लग रहा है कि हम 14,000 फीट भी आ चुके हैं। जो बाइकर्स हैं वो उनको बेहतर बताया कि यार बाबू से टॉप पे भी जो है ना, और बुर्जिल पास पे भी, हालांकि बुर्जिल पास थोड़ा सा ऊँचा है, वहाँ पे बाइक जो है ना बहुत स्ट्रगल करके जाते हैं, कार्बोरेटर बाइक खसूसी। तो अब इस प्लेन को क्रॉस करना है, इस वजह से भी जो है मुश्किलात हैं। डबल पे जनाब जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा बाइक को पुश कर दूं। आरडी भाई ज़बरदस्त तरीके से जाते हुए, दूसरे गियर में बाइक को डाला तो है मगर पत्थर इतने, टायर स्लिप होने का बड़ा डर है। और कुछ लोग घोड़ों पर आए हुए हैं,
वो यार ये तो बहुत लंबा प्लान है भाई, बहुत लंबा है। घोड़ा नुमा लग रहा है मगर इसके सींग है। कहाँ से जा रहा है, कहाँ से लाला? क्रॉसिंग आ गई है, अब हम हाइट से नीचे उतरे। लाला कमरान भी फंस गए अपने ट्रेल बाइक पे। This is very serious. थकावट से बुरी हालत हो चुकी है और आरडी भाई सुजुकी जीएस को लेके आ रहे हैं। बहुत मुश्किल है ये ट्रैक। ट्रैक है नहीं, ट्रैक आपको करना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है ट्रैक। रास्ते यहाँ के कोई कहीं भी रास्ता रास्ता मौजूद ही नहीं है ना सिरे से। आप 10 बार गलत हो गए, 1 बार सही ट्रैक पर चढ़ोगे। ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है लेकिन बहुत मुश्किल है यार। तो मैं कह रहा हूँ बीपर से जो आए हैं वो एक अलग चीज है। हाँ, हाँ, और इधर तो हम आए हैं मतलब उससे ज्यादा थक चुके हैं बीपर वाला ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। शाबाश शाबाश नौजवानों, आड़ी ले आ ले आ ले आ, इधर से आ, इधर से लकी लकी शाबा शाबा लकी। आड़ी भाई को कहा है कि यहाँ से आ जाएं मगर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पता है, अब वो उधर ही जा रहे हैं। शाबा आड़ी भाई, शाबा शाबा। दिस इज वेरी क्रिटिकल वाटर क्रॉसिंग हियर। मुश्किल है यार, काफी मुश्किल है। डिस्कशन हो रही है किस तरह जाया जाए। कार्बोरेटर यार काम ही नहीं कर रहा, ऑक्सीजन इतनी लो है। 11:47 हो गए, 8:47 पे आई थिंक हम निकले थे। 4064 एल्टीट्यूड है मीटर में। धक्का रिक्वायर्ड होगा। लकी चल यार, लकी शूज उतार है।
कमरान लाला एक टेक्निक से निकालते हुए, पानी से ही गुजरना पड़ेगा। आड़ी भाई बाइक निकालते हुए जियो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निकल जा निकल जा। पच पच पच, उठा उठा उठा। निकालो लाला कमरान, लाला कमरान, लाला हसीब को चोट लगी है, बहुत शदीद किस्म की। ओए ओए यारो, देखो बताया था मैंने आपको कि यहाँ आना, तो बड़े दिल के साथ आना। बचो कमरान भाई, आप बचो, हसीब क्या हुआ है? फ्रीजिंग वाटर है यार, सेफ क्या हुआ यार? हैं यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, स्नो आ गई है। स्लिप हो रहा ना बाइक, सीधा कर बाइक, उधर उधर जा, थक गया हूँ यार।
रेस ना दे सही, ऐसा रेस दे ऐसा आधा क्लच। हाँ ऐसा ऐसा यहाँ से निकालना पड़ता है, बिल्कुल लो आरपीएम पे। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है और ट्रैक बस खुद ही नेविगेट कर रहे हैं। कंधों का तो बेड़ा गर्क हो गया। कहाँ जाना है, फिर ट्रैक आ गया बस। ये भी एक झील बनी हुई है, उसने बाइक अपने इधर खड़ा कर दी है। बहुत मुश्किल है यहाँ आना, बर्फ लाला गोली नहीं है, नेलर है यार वो। नहीं नहीं आज नेचर हमारा मुकम्मल इम्तिहान ले रही है, पता नहीं चाहती क्या है। करम्बल लेक आज ना पहुंचे ना तो बड़ी शर्मिंदगी सी होनी है। यहाँ तो भाई तूफानी माहौल बना हुआ है और ये वाटर क्रॉसिंग के बारे में मैं सोच रहा हूँ क्या बनेगा, आगे बर्फ ही है। चल चल चल, शुक्र है अल्लाह का। एक्सट्रीम एडवेंचर आज हो गया। ये टायर के ट्रैक है, वो जा रहा ट्रैक। बस हो गई है यहाँ पहुँचते पहुँचते, हल्की उल्की जो है ना बर्फबारी भी है यहाँ पे। गोप्रो पे बात नहीं हो पा रही क्यों, बहुत मुश्किल से जा रहे हैं।
ये रही जी करम्बर लेक। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहुंची, बड़ी ही तकलीफ के साथ पहुंची। वो रहे है लाला कामरान, हमने भी वहीं जाना है। बहुत वैसी लेक है यार, होए होए। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड पे ताजिकिस्तान का बॉर्डर है और अफगानिस्तान का, इस साइड भी चाइना। कामरान भाई लाला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लाला मुबारक हो, देख ली लाला, असीब रह गया है, पता नहीं कहाँ पे है, कोई पता नहीं है उसका। आसिम है, इसने बाइक नीचे खड़ी कर दी है। कहा तो है यार लाला, आखिरी पैच भी तो इतना आसान नहीं था, वो जो आप गुजार के लाए हो ना बर्फ में से। वो मैं पहले सीधा गया हूं, उधर से आना था। ओए होए, दिस इज करम्बर लेक, दरमियान में पानी और इधर भी स्नो, इधर भी स्नो और उधर बादल, कलंदर जूम नजर नहीं आ रहा। कमरान भाई ये बड़ी रोटी, सूखी रोटी खाते हैं जनाब। यहाँ पे सब्ज़ प्याज लाना मस्ट आदमी है, क्योंकि अगर सांस का मसला हो या और कोई प्रॉब्लम हो तो कच्चा प्याज बहुत ज़रूरी है उसके लिए। उससे दोस्तों ये होता है, सांस बहाल हो जाता है, हालत बहुत ख़राब है, चेहरा भी बहुत ख़राब हो चुका है। रोटी खाते हैं बिस्मिल्लाह। कमरान भाई ने प्याज दिया, प्याज खाते हैं। दोस्तों करम्बर झील पाकिस्तान की दूसरी बड़ी झील है और दुनिया की 35वीं बड़ी झील है। जो लश्करगाह से करम्बर का जो हमने रास्ता तय किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 8:47 पे निकले थे और 1:14 हो रहे हैं। डबल सवारी के साथ सुजुकी जी एच करम्बर लेक में। मटघाट उतर गया, व्हील जाम हो गया था, व्हील जाम हो गया था, समझ ही नहीं आया व्हील क्यों जाम हो गया, क्या था ब्रेक्स टूट गया। एलिवेशन चेक करते हैं इसकी, यूज जीपीएस, जीपीएस सिग्नल इज फ्रॉम द आउटसाइड अवे फ्रॉम ट्रीज एंड टॉक। ये अभी 1-2 मिनट में बता देगा कि जी इसकी कितना अभी हम एलिवेशन पे खड़े हैं। कामरान भाई पाकिस्तानी फ्लैग के साथ एक्साइटेड, आखिरकार कमरान भाई करम्बर लेक में एंजॉय करते हुए और थका थका के हमें मार दिया कमरान भाई ने। कमरान भाई क्या जज्बात हैं, सच बताएं यहाँ आके, सच हैं? एक्सट्रीम एंड्योरो ट्रैक भी है, एडवेंचर ट्रैक है, टफ तो बहुत है, लेकिन यहाँ आके सारी थकावट उजर जाती है। अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमत से हमें नवाजा है, अल्लाह पाक ने, नो डाउट। हमें इस मुल्क की कदर नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। कुरान अच्छे नहीं मिले, इतना अच्छा पॉइंट है कि आप देख के परेशान हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी लेक है, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी झील है ये,
और आप पानी के नजदीक जाके देखें, बिल्कुल क्रिस्टल पानी है, पत्थर नजर आ रहे हैं इसमें। चलें आए विजिट करते हैं नायन कमरान भाई। कमरान भाई ये फूल भी इधर लगे हुए हैं, प्याज टाइप है ना यार, ये तो शीशे की तरह पानी है भाई, शीशा है ये तो, बिल्कुल क्रिस्टल पानी। और आप देख सकते हैं कि पत्थर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं इसमें। अब इसके गहराई का कोई अंदाजा नहीं है, ये गहरा कितना होगा। ओए ओए, ये तो बहुत बड़ी झील है यार। और इसका पानी जो है दूसरी साइड पे गिलगित वाली दरिया में गिरता है। अच्छा, ये इसका पानी गिलगित वाली साइड पे गिरता है। वो गिलगित वाली साइड पे गिरता है और यहाँ से एक ट्रैक जो है दरकोट पास हो जाता है, यहीं से, और यहीं से पैदल ट्रैक जो है। अच्छा, और ये अश्कोमन को शॉर्टकट टच करता है, ये अश्कोमन वैली। अश्कोमन जो है यार ये तो बहुत एक्सट्रीम नहीं है अगर ये ट्रैक किया जाए। बहुत प्यारा ट्रैक है वो भी, लेकिन उसमें एक पूरा दिन लग जाता है इसी से। नहीं बिल्कुल, एलिवेशन आ गई 4,303 मीटर, तो खुद अंदाज़ा कर लें कि इस पॉइंट पे आना भी चैलेंज है, इधर मौसम का सामना करना भी चैलेंज है। देखें पहाड़ सारे बादलों में ढक गए हैं। दोस्तों इस खूबसूरत झील के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इन पहाड़ों के पीछे ताजिकिस्तान अफगानिस्तान है और इस पहाड़ के पीछे जी चाइना है। बर्फ़बारी का आगाज़ हो चुका है, देखें थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो दोस्तों लश्करगाह से इजाज़त चाहते हैं। इंतहाई ख़तरनाक और एडवेंचरस ट्रिप था, मगर इस ब्यूटी के लिए ये कंप्रोमाइज़ काफ़ी है। आप कर सकते हैं कंप्रोमाइज़, लाइफ का भी और बाइक का भी और पैसों का भी। तो दोस्तों हमें मसाइल तो बहुत सारे आए, तो ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। तो इसमें यह है कि आपको बाइक्स की तरफ ले जा चलता हूँ और निशानदेही करता हूँ क्या क्या मसाइल आए। चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बाइक की तरफ कि भाई यार क्या क्या मसाइल आए। शाका भाई का जापानी होंडा, ऑक्सीजन का इशू, लाला कमरान पेट्रोल का इशू, बहुत पेट्रोल खा रहा था, सुजुकी GS मिसिंग इशू, ऑयल इशू, ऑयल पूरा था बस वैसे ही वो ज़्यादा ही डाल दिया, ऑयल पूरा था। ये ब्रेक का जो पैडल था इसका बहुत इशू आया, इसका जी फ्रेम ही टूट गया था दो जगह से, फ्रेम वेल्ड कराया। ठीक है, होंडे का क्या इशू आया जी, होंडे का सिलेंसर उतर गया था, ये फुटरेस डीले पड़ गए थे, और KLX का सबसे बड़ा इशू पेट्रोल का था, और दूसरा इसकी क्लच तार टूट गई थी, सॉरी। और अभी भी आप देख सकते हैं प्राचा एज यूजुअल हर ट्रिप में पंचर और YBR का जो है ना स्टैंड टूट गया था, JDR का बॉक्स हमने रास्ते में रखना पड़ा। तो दोस्तों बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, और मैं आपको सच बताऊँ मुझे ना दो तीन आवाज़ें ऐसी आई हैं जो मैंने दोस्तों से कंफर्म की है कि यार मुझे तो किसी बंदे ने ना आवाज़ मारी है। तो वो सारे कह रहे थे कि हमें भी आवाज़ आई है, मगर हम जब देखा इधर उधर मतलब चारों तरफ देखा तो हमें बंदा नज़र नहीं आया। वल्ला वो क्या चीज़ थी। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल का बटन आपने ज़रूर दबाना ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में आपको मालूमात आती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, कलीम खान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।